मैं नीता दुहलिया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से आज आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में ऊंचाई कुहक का अभ्यास किस प्रकार करना है पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, तत्पश्चात अभ्यास करके दिखाऊंगी। आपने पुरानी वीडियो में देखा था किस प्रकार आपको जालंधर बंद, यदि आप अभ्यस्त हैं, आप श्वास जब भीतर रोकते हैं तो जालंधर बंद व मूल बंद का अभ्यास करते हैं। वे आपको अभी बताया नहीं जाएगा, केवल करके दिखाया जाएगा, आप उसके लिए पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उज्जायी प्राणायाम में आप अपने कंठ क्षेत्र से लेकर हृदय क्षेत्र तक का मांसपेशियों का संकुचन करते हुए इसे थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन के साथ श्वास भरेंगे तो हल्की सी आवाज आती है। श्वास को यदि आप अभ्यस्त हैं तो अंदर रोकेंगे, अगर आप प्रारंभिक स्थिति में हैं तो सामान्य स्थिति में श्वास भरिए और आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाई नासिका से श्वास छोड़िए। जब आप कुंभक का अभ्यास करें तो इस वक्त आप ये ध्यान देंगे कि जब आप कुंभक छोड़ रहे हैं, जब आप श्वास छोड़ने जा रहे हैं, जालंधर बंद खोल रहे हैं, तो आप उस वक्त अपनी दाई नासिका बंद कर लें। अभ्यास आपको करके दिखाया जा रहा है। बिना कुंभक के किस प्रकार अभ्यास करना आप पुनः देख सकते हैं। हो सकता है जब आप श्वास भरे तो आपको इरिटेशन होने की वजह से गले में यदि कफ की प्रॉब्लम है तो खांसी भी हो सकती है। प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं, बिना कुंभक के भी आप अभ्यास कर सकते हैं, बिना श्वास अंदर रोके हुए सामान्य स्थिति में भी आप कर सकते हैं अभ्यास। सावधानी आपको यही रखनी है, यह अभ्यास आप यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अच्छा है, परंतु आप ये ध्यान देंगे जब आप हल्की सी जो आवाज आएगी और आपको बहुत अधिक खांसी होती है तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि हल्का हल्का श्वास भरें और हल्का हल्का कॉन्ट्रेक्शन रखें, अन्यथा आपको बहुत अधिक खांसी आ सकती है अभ्यास करते हुए। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, साथ ही साथ वात संबंधी रोग, जलोदर संबंधी रोग व कफ संबंधी जो कंठ दोष होते हैं उन सभी का नाश इस रोग से होता है, सभी कष्ट इस प्रकार के दूर होते हैं इस अभ्यास को करने से।